आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार गरीब असहाय लोगों को जहां फ्री राशन देकर उनके जीवन यापन का निरंतर प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कोटेदार घटतौली करके इन गरीबों के हक पर नाका डाल रहे हैं, अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला देखने को मिला आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मोतीपुर में। कोटेदार सूर्यवान यादव ने ट्रैक्टर और ट्राली पर गरीबों के हक का कुछ राशन बोरियों लदवा कर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़े, तो स्थानीय लोगों की सूचना पर महाराजगंज पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पकड़ लिया गया। ट्रैक्टर ट्राली सहित पकड़कर पुलिस थाने ले आई। इस मामले में जब मीडिया द्वारा थाना इंस्पेक्टर कमलकांत वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गल्ला सप्लाई इंस्पेक्टर को इसकी सूचना दे दी गई है। गल्ला सप्लाई इंस्पेक्टर जांच पड़ताल करके रिपोर्ट देंगे, इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर लिखे जाने तक गल्ला सप्लाई इंस्पेक्टर का रिपोर्ट नहीं मिल पाई थी। इस अवसर पर रजनीश यादव, जयप्रकाश यादव, राजपाल यादव, कपिल राजभर, घनश्याम यादव, दुर्विजय यादव, माधव यादव, रामप्यारे यादव सहित गाँव के लोग उपस्थित थे। इकट्ठा में क्या मामला है? मामला यही है कि कोटेदार का मामला यहाँ पे है। कोटेदार जहाँ पे मतलब राशन मिलता है वहाँ से राशन जो है सही से नहीं मिल पाता, जो राशन बचता है उसको बाजार में सप्लाई कर दिया जाता है, और जो राशन मिलता है और जो लोगों चार लोग हैं तो तीन ही लोगों को मिलता है, पाँच लोगों तो चार लोगों को मिलता है, ऐसा क्यों होता है जी? आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं उसकी छानबीन हो। सब इंस्पेक्टर आए थे गाँव में, पता लगा मतलब सब जगह गए तो सभी लोगों से नहीं बातचीत उन्होंने नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसका वजह क्या है? ये सप्लाई के लिए गल्ला कब ले जा रहे थे? सुबह 8 बजे, 8 से मतलब 5 मिनट 10 मिनट हो रहा था, ऐसे ही कुछ हो रहा था। आपको कैसे जानकारी है कि गल्ला ले जा रहे हैं? हम बाजार में गए थे। अच्छा। हाँ, जब देखे थे, जब उनकी गाड़ी वहाँ आने पकड़ी गई तो हम देखे थे। क्या बताइए? हमारा नाम रजनीश यादव है, ब्लॉक महाराजगंज, तहसील सगड़ी है। क्या मामला आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए? मामला ये है कि हमारे गांव का कोटेदार है सुजभान यादव, जो गरीबों का गल्ला जो बांटने के लिए आता है उसको ले जाके महाराजगंज मार्केट में बेच रहे थे जी। तो आप इस पर क्या चाहते हैं? हम इस पर यही चाहते हैं कि जो सही चीज़ हो उसको, उनका क्या नाम, वो गल्ला बेच रहे थे, हम लोग डीएम साहब को फ़ोन किए हैं। अच्छा। एसडीएम साहब को फ़ोन किए हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर सर आए हैं और वो आए, उनको हम लोग फ़ोन किए हैं 8:30 बजे, वो महाराजगंज आ गए। उनके यहाँ दुर्गा प्रसाद यादव उनका नाम जी, वो आए थे मौके पर, आप महाराजगंज मार्केट में रुक गए और वहाँ से बोले इनसे कि आप लोग रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, तब तक मैं आता हूँ। तो यहाँ इनके यहाँ दो अदर कोटेदार आके इनका रजिस्टर भर रहे थे, मशीन भर रहे थे, वो भी वीडियो हमारे पास है। तो क्या है गल्ला में क्या सेल करते हैं? गल्ला ले आके वही मार्केट में बेचते हैं, 5 किलो 6 किलो यूनिट काट लेते हैं गरीबों का गल्ला। अच्छा। हाँ, हमारा नाम जयप्रकाश यादव है, आप लोग यहाँ? हम प्रधान जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम मोतीपुर है, थाना महाराज ब्लॉक महाराज। यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? मामला यही है कि हमारे गाँव के कोटेदार सुजान यादव, जो उनको गल्ला बांटने के लिए आता है उसमें कटौती करके लोगों को नहीं बांटते हैं, जो बचता है आज बाजार में ले जा रहे बेचने के लिए। कुछ लोगों द्वारा सूचना मिली, हम लोग गए मौके पर, पुलिस प्रशासन को सूचना दिए, पुलिस आकर के उनके ट्रैक्टर को पकड़ कर थाने में बंद की है और उसकी छानबीन के लिए हम लोग SDM के DM को सबके यहाँ फ़ोन किए। उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर आ करके फिर गाँव में आकर जाँच पड़ताल किए हैं, वह रजिस्टर उनका नहीं मेंटेन था, कुछ लोगों को बुला कर अपना रजिस्टर मेंटेन करा रहे थे। यही सब मामला है, गरीबों के लिए समस्या है जी। तो ये कब का मामला है, कब लोग जा रहे थे? आज सुबह 8 बजे। अच्छा। जी, क्या सप्लाई इंस्पेक्टर भी यहाँ पे आए थे? हाँ आए थे, गांव में सबसे बयान ले रहे थे, बल्कि कोटेदार और उनके समर्थक लोग गांव में जा जाकर सबसे सिफारिश कर रहे थे कि आप लोग बताइए गल्ला हमें पूरा मिलता है। कुछ लोग तो सही बताए, कुछ लोगों ने उनके दबाव में आकर के उनकी वाली कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम यही चाहते हैं कि वह अगर इस गलत काम के उनको दंड मिलना चाहिए, कोई FIR होना चाहिए, हाँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रामफल यादव, ब्लॉक महाराजगंज। और यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? मामला है गरीबों का राशन जो है बेच दिया जाता है, गरीबों को बेचता है, कोटेदार बेचता है और कौन बेचेगा? सूर्यभान यादव। अच्छा। तो क्या सप्लाई इंस्पेक्टर भी है मौके पे आए थे? अब आए तो थे लेकिन हम लोगों का बयान नहीं लिए। अच्छा। हम लोग, हमारा समस्या ये भी है कि 11 आदमी में 3 आदमी का राशन मिलता है। अच्छा। और 11 आदमी का वो है कोटा, हमारे पास 11 प्राणी है लेकिन उसमें 3 आदमी का केवल मिलता है, 3 लोगों का ही राशन, बस 8 लोगों का कट गया है। तो आप क्या चाहते हैं? हमारा पूरा राशन मिलना चाहिए और गरीबों का जो भी है गरीबों को मिलना चाहिए। ये नहीं कि हमारा जो गरीबों का राशन काट के और बनिया को बेच दिया जाए, ये नहीं चाहते हैं बस। तो कोटेदार गल्ला बेचने के लिए कब ले जा रहे थे? अब हम तो अपने आँख के सामने देखे हैं कि जो बनिया था वो हमारे सामने खड़ा था। अच्छा। जिस दिन हम गल्ला लेने गए थे तो हम बोले यहाँ कैसे, तो बोले हमारा अंगूठा भी यहाँ लगता है, हमारा राशन भी यहीं से जाता है और एक बोरी उस पर
क्या बोलते हैं बिक्की पलाद रखा था और दूसरा फिर लेके छोड़ के आया, फिर दूसरा लेके गया। तो आप वो मौके पे कैसे पहुंचे, किसी के द्वारा? राशन लेने गए थे। अच्छा। हम खुद राशन अपना उठा लगाए, राशन लिए तीन आदमी का बस। हम बोलते तो उठा के ले जा रहे, हम लोग से तीन ही आदमी का राशन मिल रहा है। बोले हमारा अंगूठा भी यहीं लगता है।